Shrikant Tripathi, and guys, today we are going to discuss a very important topic that is in news. So guys, hum logon ko pata hai ki recently our prime minister went on a trip to लक्षद्वीप. और लक्षद्वीप की अगर हम लोग बात करते हैं तो लक्षद्वीप हमारे लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट लोकेशन कह सकते हैं, स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, तो स्ट्रैटेजिकली अगर हम लोग बात करते हैं अगर, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए जगह है तो वो एक हमारे लिए आपका अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया, क्योंकि हमारा जो इतना बड़ा जो वास्ट रीजन है, जो इंडिया की इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, उसका एडवांटेज हमको इन दो आइलैंड ग्रुप से मिलता है. तो एक साइड दैट इज ऑन द ईस्ट कोस्ट यू हैव योर अंडमान निकोबार आइलैंड्स, वेर एज ऑन द वेस्ट कोस्ट यू हैव लक्षद्वीप. तो बे ऑफ बंगाल वाले टेरिटरी में आपका अंडमान निकोबार पड़ जाता है और अरेबियन सी वाले टेरिटरी में आपका लक्षद्वीप पड़ जाता है. सी गाइस, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लक्षद्वीप, तो लक्ष्य लक्ष्य का मतलब होता है संस्कृत में 1 लाख. हालांकि ये अभी जो प्रेजेंटली जो आइलैंड के नंबर्स हैं वो 36 to 40 के बीच में वैरी करते रहते हैं, क्योंकि देखिए ओशन लेवल बढ़ रहा है तो कई बार कई सारे जो आइलैंड्स हैं छोटे छोटे वो सबमर्ज हो जाते हैं, कई बार वो दोबारा से रीएमर्ज करते हैं. ओके, सो फिक्स नंबर नहीं है, बट हाँ 36 इज वन ऑथेंटिक नंबर दैट यू कैन रिलाई अपॉन. लक्षद्वीप की अगर हम लोग यहाँ पे बात देखें, लक्षद्वीप की ना पॉपुलेशन कोई बहुत ज्यादा नहीं है. लक्षद्वीप की पॉपुलेशन वही इट रेंजेस समवॉट बिटवीन 65-70,000 के बीच में, और वहां से एक सीट जो है, एक सीट वो निकल करके आती है लोकसभा के लिए. बाकी इट्स अ यूनियन टेरिटरी, तो वहां पे कोई इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो हमारे पास जैसे विधानसभा हम लोग देखते हैं वो आपको नहीं मिलती है. कैपिटल की अगर हम लोग बात करते हैं तो कैपिटल जो है वो है कवारती, KAVARATI, कवारती इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप. अब लक्षद्वीप में प्राइमरली आपको तीन आइलैंड्स दिखाई देंगे जो सबसे ज्यादा जहां पे ह्यूमन हैबिटेशन है. पहले आइलैंड का नाम है अमनदीवी. ओके, द फर्स्ट आइलैंड इज, एक सेकंड लिखी दे रहा हूं इसको. सो द फर्स्ट आइलैंड इज अमनदीवी, द सेकेंड वन इज लक्षद्वीप, एंड द थर्ड वन इज मिनिकॉय. ओके, ये तीन आइलैंड्स जो सबसे ज्यादा आपको दिखाई देंगे बिटवीन, जहां पे सबसे ज्यादा ह्यूमन हैबिटेशन है लक्षद्वीप में. ओके, वो है आपके ये तीनों के तीनों आइलैंड्स. इसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, देयर इज अ चैनल, अ वाटर लाइन, वाटर बॉडी व्हिच सेपरेट्स लक्षद्वीप या फिर मिनिकॉय आइलैंड को इसके साथ मालदीव्स के साथ. मालदीव्स जो कि एक बहुत ही बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो वाटर बॉडी जो सेपरेट करती है, वैसे तो इट इज अरेबियन सी, बट हम लोगों ने उसको एक नाम देकर के रखा हुआ है, एंड दैट इज द 8 डिग्री चैनल. इट इज द 8 डिग्री चैनल दैट सेपरेट्स मिनिकॉय फ्रॉम मालदीव्स, या फिर आप कह सकते हो ओवरऑल ओवरऑल लक्षद्वीप आइलैंड्स फ्रॉम मालदीव्स. ये कुछ बेसिक बेसिक सी चीजें हैं हमारे बारे में. ओके, अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई हु इज द एमपी हु इज नॉमिनेटेड फ्रॉम लक्षद्वीप, तो उस एमपी का नाम है मोहम्मद फैजल पादीपुरा. ओके, तो ये नाम भी मोहम्मद फैजल पादीपुरा. मोहम्मद फैजल पादीपुरा. और एक चीज यहां पर आपने और ध्यान रखनी है, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो आबादी है 93 से 94% जो आबादी आपको मिलेगी वो मुस्लिम पॉपुलेशन आपको मिलेगी यहाँ पर. ओके,
मुस्लिम पॉपुलेशन आपको मिलेगी। साथ ही साथ एक चीज और, यहाँ पर यहाँ के जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए हम लोग नाम इस्तेमाल करते हैं मुपालास। ओके मुपालास, ओके। तो मोपलाज मुपालास ये मुस्लिम्स हैं जिनके लिए मैं यहाँ पे ये नाम इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। अब एक चीज जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि वाई लक्षद्वीप इज इन न्यूज दैट मच। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई लक्षद्वीप न्यूज में क्यों है, तो अभी हमको पता है प्राइम मिनिस्टर हमारे जो है वो उन्होंने विजिट किया था, और उस विजिट में प्राइमरीली उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो कुछ स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स जैसे डीसैलिनेशन प्लांट्स की, जो समुद्र का खारा पानी उसको पीने लायक बनाने के लिए जो प्लांट्स होते हैं वो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स, ओके, जो आपका डेटा के लिए इंटरनेट के लिए अलग अलग जो इनिशिएटिव्स थे उन सबको वहां पे प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। बट व्हाट स्ट्राइक मोस्ट वाज प्राइम मिनिस्टर की कुछ फोटोज और वीडियोज आई जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर लक्षद्वीप के बीच पर बैठे हुए हैं, आराम से जो इजी चेयर्स होती हैं उनमें बैठे हुए हैं, स्नॉकलिंग कर रहे हैं। इसको देख करके उन्होंने ये फोटोज जो है पोस्ट करी, और उन्होंने बोला कि भाई जो आपके यहाँ कंट्री, देखिए उन्होंने कहीं पे कोई कंपटीशन रीज नहीं किया, बट उन्होंने जो रिप्रेजेंटेशन दिया उन्होंने बोला कि भाई ये सारी एक्टिविटी जो आप बाहरों के देशों में करते हो जाकर के, अगर आप इंडिया में ही करने लगो व्हेन यू हैव सच अ नाइस स्पॉट, तो भाई कम से कम जो टूरिज्म है वो डेवलप होगा। लक्षद्वीप में जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है लोगों के पास वो होता है बेटा मछली पालते हैं, ओके, जो मछलियां बेच पाना, और वहां पे गरीबी है, मतलब ठीक ठाक अमाउंट में गरीबी है, क्यों, सोर्स ऑफ इनकम नहीं। अब यही सेम लोकेशन मॉलदीव शेयर करता है, और मॉलदीव्स टेक्निकली क्या है, मॉलदीव्स वन ऑफ द बेस्ट लोकेशंस, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं लोगों के लिए, वो वहां पर आपके आसपास जाता है। अब जब इतना अच्छा सिचुएशन है, ऐसा सिनारियो है जब, तो आप क्यों नहीं उसको इस्तेमाल करते हो अपने फेवर में, अपने लिए। बात लोगों को चमकी है, तो कई सारे ट्वीट्स आए, कई सारे लोगों ने सपोर्ट किया प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस क्लेम को, लेकिन दिस वाज नॉट वेरी वेल रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स। और वो गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स के कुछ मिनिस्टर्स ने, तीन मिनिस्टर्स थे जिन्होंने बड़ी डेरोगेटरी सी भाषा लैंग्वेज यूज करी फॉर आर प्राइम मिनिस्टर, और उनको फाइनली मतलब ये हुआ कि भाई आप किसी हेड ऑफ द स्टेट और इंडिया जैसा कंट्री हु हैज बीन अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ मालदीव्स इन द पास्ट, आप ऐसा नहीं लिख सकते। तो उन तीनों मिनिस्टर्स को जो है वो सस्पेंड कर दिया वहां के मिनिस्ट्री ने। बट द पॉइंट इज, ऐसा हो क्यों रहा है? तो सबसे पहली चीज, कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय में जब से वहां पे रिजीम चेंज हुआ है, और जो पहले गवर्नमेंट थी इट वाज वेरी प्रो इंडिया गवर्नमेंट और बहुत इंडिया फ्रेंडली थी, लेकिन जो अभी रिसेंटली जो नई गवर्नमेंट आई है अंडर मोहम्मद मुइजू, तो वो गवर्नमेंट जो है वो काफी हद तक प्रो चाइना गवर्नमेंट है। अब आप ऐसे समझिए कि जिस दिन मोहम्मद मुइजू ने ओथ लिया है उसके अगले दिन जो इंडियन आर्मी प्लेस्ड है मालदीव्स में उसको हटाने की बात कर दें। इंडिया का हाइड्रोकेमिकल एग्रीमेंट हुआ करता था मालदीव्स के साथ, जहां पे इंडियन साइंटिस्ट जो है वो मालदीव्स के आइलैंड्स के अराउंड जो पानी होता था उसको चेक करते थे, उसकी क्वालिटी बताते थे, और अलग अलग एस्पेक्ट्स के ऊपर काम करते थे। तो उन्होंने बोला कि जो हाइड्रोकेमिकल एग्रीमेंट है मैं इसको भी यहाँ से खत्म करना चाहता हूँ, मेरे को नहीं इनके साथ रहना कुछ भी। क्यों ये सब बोल रहे हैं कि भाई ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि चाइना उसको कह रहा है। अभी आज ही जो मोहम्मद मुइजू है द प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स, ही हैज गॉन टू 5 डेज विजिट, ऑफिशियल विजिट चाइना की, तो मे बी आने के बाद वहां से कुछ करे भी। इंडिया ने इन द पास्ट हैज ऑलवेज हेल्प्ड, ऑलवेज एडेड मालदीव्स, चाहे वो $100 मिलियन देने की बात हो, चाहे 2015 में टन्स ऑफ मिनरल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, वाटर क्राइसिस हो गया था, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू सेंड एड टू मालदीव्स कोविड के टाइम पर, जो वैक्सीन मैत्री थी उसके तहत बहुत मदद करी है। इनफैक्ट 1988 में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वहां पे मिलिट्री कू होने वाला था, वहां की आर्मी जो है वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को हटा करके खुद डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश करना चाहती थी। सो हेल्प वाज आस्क्ड और इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, एंड द नेम ऑफ दैट ऑपरेशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं ऑपरेशन कैक्टस। ओके, ऑपरेशन कैक्टस लॉन्च किया।
तो इंडिया हैज ऑलवेज बीन वेरी हेल्पफुल, लेकिन भाई इंडिया को कहीं ना कहीं ये चीज समझनी है कि भाई हमारे पास जितना टूरिस्ट है और जितना टूरिस्ट हमारा आता है और जो मालदीव्स में जा रहा है, अगर उसको सेम फैसिलिटीज इंडिया में मिल जाएगी तो भाई हमारा बंदा वहां पे जाकर के पैसा क्यों खर्च करेगा। एंड मोर ओवर ऑल द पीपल ट्रैवलिंग फ्रॉम अब्रॉड टू मालदीव्स, आपको हम मालदीव्स जैसा ही एक्सपीरियंस करवा रहे हैं अपने यहाँ पे, एट अ लेसर प्राइस, एट अ लोअर प्राइस। सी मालदीव्स इज वेरी एक्सपेंसिव, तो जब हम आपको करवा रहे हैं सारा का सारा एक्सपीरियंस अपने यहाँ पर, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, आप क्यों नहीं आते हो, आप आओ। तो ये जब मालदीव्स ने देखा ना कि नाउ इंडिया इज चैलेंजिंग आर कंट्रोल इन टूरिज्म इन दैट पर्टिकुलर एरिया, तो मे बी शायद दे कुड नॉट टेक इट वेल, और उन्होंने इस तरीके की स्टेटमेंट्स जो है वो लिखना शुरू कर दी सोशल मीडिया पे। तो यही था पूरा का पूरा इशू। इंडिया के कई सारे सेलेब्स ने, कई सारे सेलिब्रिटी जो सेलिब्रिटीज हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस इनिशिएटिव को बहुत ही अप्रिशिएट किया है। सचिन तेंदुलकर, सलमान खान, अक्षय कुमार, जॉन इब्राहिम, श्रद्धा कपूर, इन सब ने अपने अपने ट्वीट्स किए हैं और उन सबने बोला है कि भाई हम लोग जरूर से जरूर विजिट करना शुरू करेंगे। सो सी ये ना एक इनिशिएटिव होता है कि व्हेन यू योरसेल्फ, व्हेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री बिकम्स द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वन पर्टिकुलर प्लेस, और वो भी तब जब अगर हम लोग बात करते हैं एक्सेप्टेबिलिटी इतनी ज्यादा है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, वन ऑफ द मोस्ट लव्ड लीडर्स इन द वर्ल्ड, तो उस केस में मालदीव्स को इस तरीके का रिएक्शन नहीं देना चाहिए था। कहीं ना कहीं जब आर्टिकल हम लोगों ने देखा कि भाई 370 को हटाया था, उस टाइम पे भी मालदीव्स ने क्रिटिसाइज किया था, अरे तुमको लेना देना क्या यार, तुम कहाँ बैठे हुए हो अरेबियन सी में, कहाँ मैटर है हिमालयस का, यू आर अननेसेसरली इंटरवीनिंग। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो एक तरीके से इशारा था प्राइम मिनिस्टर का कि नाउ मालदीव्स शुड नॉट बी द फर्स्ट चॉइस, इट शुड बी अस। और आप ये चीज समझ लीजिए कि जो इंडियन होटल जो कॉरपोरेशन है उन्होंने ये डिसाइड किया था कि भाई वो लोग अपने होटल चेन्स यहाँ पे खोलना शुरू करेंगे, तो बाय 2026 दो ताज होटल्स वहां पे रेडी हो जाएंगे, उनका कंस्ट्रक्शन वगैरह सब चल रहा है, और वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, काम धंधा मिलेगा, पैसा कमाएंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा, इंडिया की जीडीपी सुधरेगी उससे। तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव था प्राइम मिनिस्टर की विजिट का टू लक्षद्वीप। अब वो इतना बड़ा इंटरनेशनल मैटर बना दिया मालदीव्स ने, वो उनका अपना इशू है। ओके सो गाइस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट वाज टुडेस टॉपिक अबाउट। ओके आप लोग भी अपने एंड से जो पॉसिबल रिसर्च हो सके वो देखिएगा, बाकी व्हाटएवर वाज इन दिस टॉपिक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू। ओके चलिए, सो गाइस दिस वाज विद रेफरेंस टू टुडेस वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। विल मीट टुमारो फॉर अनदर वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।